हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास है ये वीवो का S1 मोबाइल फ़ोन, जो कि ये फोन टेरा है, भैया का है। तो इधर आओ सर जी, इसको सही से दिखाओ। ये डेल फोन है। हाँ, तो इस फोन को थोड़ा हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे कि मोबाइल फ़ोन से बैटरी को हटाएंगे। बैटरी को हटा दिया है। और ऐसे अपना मल्टीमीटर लेकर के, मल्टीमीटर में पहले मोबाइल फ़ोन में हम एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, फ़ोन में शॉर्ट तो नहीं कहीं पर। तो मल्टीमीटर को डायोड या बीप के रेंज पर सेट कर लेते हैं। और इधर नज़दीक से दिखाओ सर जी इसमें, और इसके बैटरी कनेक्टर के हम प्लस माइनस में रख के एक बार चेक कर दें। सर इसमें क्या है कि फ़ोन में फुल शॉट आ रहा है, फुल शॉट दिखाई दे रहा है। रिवर्स में एक बार चेक करते हैं तो दोनों तरफ से फुल शॉट आ रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को थोड़ा निकाल के एक बार चेक करते हैं। अभी फोन को अलग कर दिया है, बोर्ड निकाली है, अभी चेक कर रहे हैं। तो ये फोन में क्या है, इसका टेस्टिंग तुरंत चेंज हो गया। अब ये फोन में टेस्टिंग में ओके दिखाने लगा। इसका मतलब जहाँ भी कमी है, तो हमारे इस यहाँ से कनेक्शन, ये जो पत्ते में है ना, दो पत्तों का कनेक्शन जहाँ से जुड़ा है, या तो ये UI में गड़बड़ है इसमें, क्योंकि इससे लग के जब लगता है इसमें, तभी इधर में शॉर्टिंग आती है, और हटा देते हैं तो शॉर्टिंग चली जाती है। एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। पहले हम एक ये पत्ता लगाते हैं, आप चेक करते हैं, देखो इधर में शॉर्टिंग आ रही कि नहीं आ रही। तो अभी तो सही दिखा रहा है, ये हमारा काम्बो का पत्ता है। अब लगा के देखते हैं, अब ये शॉर्ट दिखाने लगा। इसका मतलब जहाँ कहीं ना कमी है, तो हमारे इस पत्ता का कनेक्शन जहाँ से जुड़ा है, तो वहाँ से कमी है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इस UI को ये निकाल लेते हैं, इसको बाहर। ये हमारे बोर्ड का UI है। इसको एक काम करते हैं कि इसको हम यहाँ से सेपरेट अलग कर लेते हैं। अलग करके UI को थोड़ा हम अलग ही कर लेते हैं। ये मदरबोर्ड है। अब एक बार हम इधर में चेक करेंगे थोड़ा। शॉर्टिंग हमारे इस बोर्ड से आ रही थी, सब बोर्ड से। एक काम करते हैं कि इसमें देखेंगे, आगे आगे से पीछे तक थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इधर में तो कुछ सेक्शन बना नहीं, कुछ भी जो भी है, तो ये टीना के अंदर में दिखाई दे रहा है। एक बार क्या करते हैं, शील्ड को हटाएंगे और फिर से चेक करेंगे कि इधर के अंदर में कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। तो
अब एक बार इसमें फिर से लगाएंगे इसको हम। अभी देखते हैं शॉर्टिंग आ रही कि नहीं आ रही। अभी तो फिलहाल नहीं आ रही। देखो सर, इसमें जो इसमें आ रहा था तो ये वी बैट के पॉइंट पर शॉर्ट आ रहा था। तो इसमें क्या था कि ये जब हमने इस टीना को हटाया, इसको इसको हटाते समय हमसे धोखे से या तो ये हटा लगा था, कैसे भी शॉर्ट था। तो ये कंपोनेंट इसका वी बैट की लाइन का, ये कंपोनेंट दरी का कैपेसिटर शॉर्ट था। और इसको जब टीना को मैंने हटाया, ऊपर से जो स्टील का पार्ट लगा रहता ऊपर से, तो वही कंपोनेंट हट गया इससे। यही शॉर्ट भी था। इसको अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, ये कैपेसिटर है। ये मोबाइल फोन के अंदर जो कैपेसिटर शॉर्ट निकला था, तो ये यूआई के अंदर लगा हुआ था। ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो लगा हुआ है, ये सप्लाई बनी हुई है और यहाँ पर वी बैट की लाइन आ रही थी। तो हमने जब स्टील की जाली को हटाया तो वहाँ पर ये कैपेसिटर मिला, और जैसे ही हमने मोबाइल फोन को जाली हटाई तो कैपेसिटर ऑलरेडी पहले से शॉर्ट था, जो हमारे मदरबोर्ड में लगा था, जिसके कारण से हमारे मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग होती थी, हमारा हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा था। हमने जैसे स्टील के जाली को हटाया तो कैपेसिटर शॉर्ट था, ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद फिर हमने मदरबोर्ड में जब दोबारा हमने जब चेक किया तो वहां पर शॉर्टिंग हट चुकी थी। शॉर्टिंग हटने का मतलब है कि हमारी जो वी बैट की लाइन है वो फ्रेश हो गई। वी बैट की लाइन बनी, जो बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव सप्लाई की लाइन होती है, वो ओके हो गई है। अब फिलहाल हम लोग यूआई में कनेक्ट करते हैं। यूआई में कनेक्ट करने के बाद ये देखेंगे कि हमारी लाइन ओके है कि नहीं ओके है। और जैसे अगर लाइन ओके मिल जाती है तो आप समझ जाइए कि आपके मोबाइल फोन की शॉर्टिंग हट चुकी है और आपका मोबाइल फोन ओके हो गया है। हम लोग इसको दोबारा से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद प्रॉपर तरीके से इसको फिर से दोबारा फिट करेंगे और आपको हैंडसेट को ऑन करके दिखाते हैं कि हैंडसेट हमारा ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ। इसी तरीके से हमारे पास शॉर्टिंग के कम से कम बहुत सारे मोबाइल फोन आते रहते हैं रिपेयरिंग होने के लिए। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं अनस जी, उनका मोबाइल फोन था, काफी दिन से उनका खराब मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। आज वो अपना ठीक करने के लिए लाए, उनका क्लास में मोबाइल फोन ओके हो गया। अब वो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, आप लोगों को भी पता चला कि कैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग को हटाया जाता है। तो देखिए, मैं बैटरी कनेक्टर में चेक करता हूँ तो बैटरी कनेक्टर में यहाँ पर शॉर्टिंग हट चुकी है। उल्टा करके मैंने चेक किया, ये हमारी रीडिंग ओके आ रही है। आपको मैंने डेड सेट में बताया था कि ओके कंडीशन की क्या सप्लाई रीडिंग होती है। तो इससे पीछे की वीडियो में आप जो जाकर देख सकते हैं कि डेड सेट को टेस्टिंग कैसे करी जाती है। अब हम लोग बैटरी को सप्लाई को चेक करेंगे कि हमारी बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए। फोन को ऑन होने के लिए हमारा मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए? 3.7 होना चाहिए। तो बैटरी अलग से सर ने बूस्ट किया हुआ है। अब इस बैटरी को हम लोग मोबाइल फोन में लगाएंगे और मोबाइल फोन को ऑन करके देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। इसका ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट है वो भी खराब है। ये देखिए, मोबाइल फोन हमारा ऑन हो गया है। और एक सर के लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग कि सर ने मोबाइल फोन को अच्छे से ऑन कर दिया। और इसी तरीके से जितने भी सारे लोग होते हैं, सभी लोग बच्चे लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग करना सीखते हैं और सीखने के साथ साथ लाइव प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो आज हम लोगों ने शॉर्टिंग का प्रैक्टिकल किया है। वो हाँ, वो हमारी चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन नीचे लिया हुआ है कंपनी ने। अब ये देखो कंप्लीट चला है। कितना एक फोन चालू नहीं हो रहा था, डेड था ना, डेड हो गया था फोन, ऑन ही नहीं हो रहा था। कितने टाइम से फोन खराब पड़ा हुआ था तुम्हारा? कम से कम सर 2 महीने से। 2 महीने हो गए। अगर इस मोबाइल फोन को कहीं भी आप रिपेयर कराने के लिए जाते हैं, कहीं भी फोन को नहीं कराते, तो कम से कम तुमको उसको रिपेयरिंग करने का ये मोबाइल फोन का जो पैसा मांगता 500 से 600 रुपये ले जाता है। किसी भी डेड हैंडसेट का या शॉर्टिंग कंडीशन में फोन होता है तो उसको मिनिमम रिपेयर करने का 500 से 600 रुपये चार्जेस होता है। तो ये अनस जी मेरे पास फतेह, कहाँ से आते हैं? उन्नाव से आते हैं।
आप बताइए जरा अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। फतेहपुर से हैं और ये मेरे पास क्लास करने आते हैं सुबह 8 बजे मॉर्निंग इनका बैच है, 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक बैच करते हैं। और अभी इनकी तबीयत खराब हुई थी, 1 हफ्ते फिलहाल नहीं आए, अब फिलहाल डेली फाउंडेशन क्लास में आ रहे हैं और सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। क्या क्या सारी चीज़ें सीख चुके हैं आप क्लास में? कॉम्बो काटना और चार्जिंग कनेक्टर। कितने दिन हो गए क्लास करते करते तुमको? क्लास हमें करते करते हो गए 10 दिन। 10 दिन क्लास करते करते हो गए, ठीक है। 10 दिन में तुमने छुट्टी भी बहुत कर ली है, आपको छुट्टी नहीं करना है, डेली क्लास में आना, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी सारे जो मोबाइल फ़ोन मिलते हैं तो आप उनको रिपेयरिंग के मोबाइल फ़ोन कलेक्ट करो, मतलब जो भी आपको मोबाइल फ़ोन देता है, आप अपने दोस्त यार हो, भाई बंधु हो, जो जानने वाले हो, जो भी कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन मेरा खराब है, तो उसके बोला मोहला मैं फ्री में बना के दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कलेक्ट करो, क्योंकि जितना मोबाइल फ़ोन पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना प्रैक्टिकल करोगे, डेड वेट टूटे फूटे मोबाइल फ़ोन मिलते हैं उनको खूब कलेक्ट करो, उनको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, हमारा आदमी सफल होता है। और कोई भी काम करने के लिए एक बार फेल होता है, एक बार पास होता है, फेल पास लगा रहता है, फिर एक दिन पास करने से ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल करें और अच्छे से सीखें।